चरम मानों के लिए आवश्यक शर्त। इस प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार है, एक फलन f ऑफ x के x इक्वल टू a पर स्थानीय चरम मान रखने के लिए आवश्यक शर्त है कि f डैश ऑफ a इक्वल टू जीरो। अब हम इसका प्रमाण देखते हैं, दो अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती है। इसमें पहली स्थिति है जब f ऑफ a एक अधिकतम मान है, प्रत्येक छोटी संख्या के लिए h इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच या फिर f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यदि इनका अंतर ले लिया जाए, अर्थात f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a, इसका मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा अर्थात लेस देन जीरो, या फिर f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a इस लेस देन जीरो होगा। मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच इज ग्रेटर देन जीरो। मान लेते हैं कि समीकरण दो है, और इसी प्रकार फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इज लेस देन जीरो, समीकरण तीन। चूंकि f डैश ऑफ a का अस्तित्व है, अतः फलन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे। अब समीकरण दो और तीन से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि f डैश ऑफ a इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी स्थिति, जब f ऑफ a न्यूनतम मान हो, तब प्रत्येक छोटी संख्या h इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a माइनस h मिलेगा, या फिर f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस h। अब यहां पर इन दोनों फलनों का अंतर लें, अर्थात f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a लें, तो यह हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा अर्थात ग्रेटर देन जीरो, या फिर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज ग्रेटर देन जीरो, यह स्थितियां प्राप्त होगी। मान करके चलते हैं कि यह चौथा समीकरण है, इसलिए फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यह हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज लेस देन जीरो, समीकरण पांच। और फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट a यह हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज ग्रेटर देन जीरो, यह समीकरण छह। अब चूंकि फलन के प्रथम अवकलज या f डैश ऑफ a का अस्तित्व है, इसलिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट दोनों बराबर होंगे। अतः समीकरण पांच और समीकरण छह से हम लिखेंगे f डैश ऑफ a इक्वल टू जीरो। अब इसमें कुछ एनालिसिस करने पर प्राप्त होता है जो कि इस प्रकार है, हम यह जानते हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता उस बिंदु पर अवकलज के मान के बराबर होता है, अर्थात tan phi इक्वल टू f डैश ऑफ a इक्वल टू जीरो। अतः चरम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है। दूसरा कि f डैश ऑफ a इक्वल टू जीरो आवश्यक शर्त तो है, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है कि फलन f ऑफ x x इक्वल टू a पर चरम मान रखता है। उदाहरण के लिए f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, यहां पर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिलता है, परंतु फलन x इक्वल टू 0 पर चरम मान नहीं रखता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरा बिंदु, फलन y इक्वल टू मॉड x को लेने पर जो x इक्वल टू 0 पर अवकलज नहीं रखता, परंतु इस बिंदु पर फलन का न्यूनतम मान y इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अन्य बिंदुओं पर y ग्रेटर देन 0 जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार एक फलन केवल दो स्थितियों में ही चरम मान रखता है, या तो अवकलज का अस्तित्व होने पर उस बिंदु पर अवकलज का मान शून्य हो, अथवा
उस बिंदु पर जहां अवकलज का अस्तित्व ना हो। एक बिंदु जिस पर अवकलज शून्य के बराबर हो अथवा अस्तित्व में ना हो क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अतः यह प्राप्त होता है कि प्रत्येक क्रांतिक बिंदु पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं रखता है। अब हम देखते हैं कि फलन के चरम मानों को ज्ञात करने की क्रियाविधि क्या हो। तो उसमें पहला स्टेप होगा कि सर्वप्रथम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यह मान लीजिए, दूसरा स्टेप dy by dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, तीसरा स्टेप यह होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को हल कीजिए। माना कि a1, a2, a3 अप टू x के क्रांतिक मान अथवा मूल हैं जिन पर फलन के चरम मान हो सकते हैं। चौथा स्टेप है कि x इक्वल टू ए वन लेते हैं यदि एफ डैश एक्स अंतराल ओपन इंटरवल है ए वन माइनस एच टू ए वन प्लस एच में धनात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तित होता है तो x इक्वल टू ए पर फलन स्थानीय उच्चिष्ट मान रखता है। यदि एफ डैश एक्स अंतराल ए वन माइनस एच टू ए वन प्लस एच ओपन इंटरवल में ऋणात्मक चिन्ह से धनात्मक चिन्ह में परिवर्तित होता है जैसा कि समीकरण 5 और 6 में दिखाया गया था तो फलन x इक्वल टू ए वन पर स्थानीय निम्निष्ट मान रखता है। यदि अंतराल ओपन इंटरवल ए वन माइनस एच टू ए वन प्लस एच पर एफ डैश एक्स के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो x इक्वल टू ए वन फलन f ऑफ x का नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। इस प्रकार x के अन्य मानों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। यदि किसी बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा वक्र को काटती है तो वह बिंदु वक्र का नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। उच्च कोटि अवकल परीक्षण हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। प्रथम कोटि के अवकल परीक्षण की मदद से स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं किंतु एफ डैश ऑफ एक्स के चिन्ह के परिवर्तन को ज्ञात करने में समय लगता है और कठिनाई आती है। एफ ऑफ एक्स जिन बिंदुओं से गुजरता है वे बिंदु एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से दिए जाते हैं। अन्य परीक्षण जिसे हम उच्च कोटि अवकल परीक्षण से जानते हैं इससे स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट को आसानी और जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में हम निम्न प्रमेय का उपयोग करते हैं। माना f अंतराल i में अवकलनीय फलन है और a i का आंतरिक बिंदु इस प्रकार है f डैश ऑफ a इक्वल टू f डबल डैश ऑफ a इक्वल टू f ट्रिपल डैश ऑफ a इक्वल टू अप टू f का पावर n माइनस वन ऑफ a इक्वल टू जीरो। किंतु f का पावर n ऑफ a विद्यमान है और यह शून्य के बराबर नहीं है और यदि पहली स्थिति जब n सम है और f का पावर n ऑफ a इज लेस देन जीरो तब x इक्वल टू a स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है। दूसरी स्थिति जब n सम है और f का पावर n ऑफ a इज ग्रेटर देन जीरो तब x इक्वल टू a स्थानीय निम्निष्ट का बिंदु है। तीसरी स्थिति n विषम है तब x इक्वल टू a ना तो स्थानीय उच्चिष्ट है और ना ही स्थानीय निम्निष्ट का बिंदु है। अब हम इसकी कार्यविधि देखते हैं। पहला स्टेप यह कि f डैश x ज्ञात करते हैं, दूसरा स्टेप समीकरण f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो को हल करने पर x के वास्तविक मान प्राप्त करते हैं। माना ये बिंदु x1, x2, x3 इस प्रकार हैं। तीसरा स्टेप यह कि f डबल डैश x ज्ञात करते हैं, इसमें x के जो मान प्राप्त हुए x1, x2, x3 इस प्रकार, इन एक एक मानों को रख करके देखते हैं। अब इन स्थितियों में देखते हैं कि f डबल डैश ऑफ x1 इस लेस देन जीरो होगा, अर्थात उस फलन के द्वितीय अवकलज का मान बिंदु x1 पर यदि ऋणात्मक होता है तब स्थानीय उच्चिष्ट मान है, तब f ऑफ x1 जो है यह स्थानीय उच्चिष्ट मान है। दूसरी स्थिति यदि
फलन के द्वितीय अवकलज का मान बिंदु x1 पर धनात्मक मान देता है तब f ऑफ x1 स्थानीय निम्निष्ठ मान है। तो इसे हम लिखते हैं f डबल डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो फलन f ऑफ x1 है यह स्थानीय निम्निष्ठ मान है। तीसरी स्थिति, यदि फलन का द्वितीय अवकलज का मान बिंदु x1 पर 0 है तब हम फलन के तृतीय अवकलज ज्ञात करते हैं और इसमें x के लिए x1 रखते हैं। चौथा स्टेप है, यदि फलन के तृतीय अवकलज का मान बिंदु x1 पर 0 के बराबर नहीं है तब यह x इक्वल टू x1 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। पांचवा स्टेप यह कि यदि फलन के तृतीय अवकलज का मान बिंदु x1 पर 0 है तब फलन का चतुर्थ अवकलज x पर ज्ञात करते हैं और इसमें x के लिए x1 रखते हैं। इसमें तीन स्थितियां हो सकती है, जब फलन के चतुर्थ अवकलज का मान x1 पर ऋणात्मक हो तब हम यह कहेंगे कि f ऑफ x1 स्थानीय उच्चिष्ट है। दूसरी स्थिति, जब फलन के चतुर्थ अवकलज का मान बिंदु x1 पर धनात्मक मान प्राप्त होता है तब हम यह कहते हैं कि f ऑफ x1 स्थानीय निम्निष्ठ मान है। और तीसरी स्थिति यह होती है कि फलन का चतुर्थ अवकलज बिंदु x1 पर 0 हो तब हम फलन का पंचम अवकलज ज्ञात करते हैं तथा उपर्युक्त क्रिया दोहराते हैं। इसी प्रकार x2, x3 इस प्रकार के मानों के लिए भी परीक्षण करते हैं। परम उच्चिष्ट या परम निम्निष्ठ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। माना कि क्लोज इंटरवल ए बी है जिस पर फलन f ऑफ x परिभाषित है। माना कि f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 अर्थात फलन का प्रथम अवकलज 0 के बराबर है के क्लोज इंटरवल जो अंतराल है बंद अंतराल ए बी में। इसके लिए हमें मिल रहा है x के मान x1, x2, x3 अप टू xn। तब यहां पर दो स्थितियां होगी, f ऑफ a, f ऑफ x1, f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn, f ऑफ b में सबसे बड़ा मान f ऑफ x का परम उच्चिष्ट मान कहलाता है। इसे अंतराल या बंद अंतराल ए बी में f ऑफ x का केवल उच्चिष्ट मान भी कहते हैं। दूसरी स्थिति, जब f ऑफ a, f ऑफ x1, f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn, f ऑफ b में सबसे न्यूनतम मान f ऑफ x का निम्निष्ठ मान कहलाता है। इसे अंतराल या बंद अंतराल ए बी में f ऑफ x का केवल निम्निष्ठ मान भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर जिसमें हम इन अवधारणाओं का उपयोग करके प्रश्नों को सरल करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x इक्वल टू 1 पर फलन x का पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 अंतराल क्लोज इंटरवल है 0 टू में उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यह मान करके चलते हैं कि जो दिया गया फलन है ये f ऑफ x है, x का पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा लेफ्ट साइड पर f डैश x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a। तो जब आप जानते हैं कि f ऑफ x के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए f डैश x इक्वल टू 0 होता है तो यहां से मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। अब प्रश्न में दिया गया कि यदि x इक्वल टू 1 पर फलन जो है वह अंतराल 0 टू 2 में उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि x इक्वल टू 1 समीकरण 1 का मूल है अतः
x इक्वल टू एक का जो मान है वह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x के स्थान पर एक रख देते हैं, तो 4 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पर a इक्वल टू 120। ये a का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब f डबल डेस x ज्ञात करते हैं, ये जो समीकरण है इसे पुनः इसका अवकलन करते हैं, मिल जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 124। अब f डबल डैश x, x के स्थान पर हम एक जो मान है ये इसे हम रख करके देखते हैं, तो मिल जाएगा 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124। तो जो मान आपको मिलेगा यह ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि f ऑफ x उच्चिष्ट होगा जब x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 120 होगा। तो यही वह मान हमें ज्ञात करना था। प्रश्न दिया गया है कि यदि x प्लस y इक्वल टू 10 हो तो एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो हम यह मान करके चलते हैं कि हमें जो ज्ञात करना है एक्स वाई दोनों का गुणनफल, ये p है, और प्रश्न में दिया गया है कि x प्लस y इक्वल टू 10। तो यहां से आप y इक्वल टू 10 माइनस x निकाल सकते हैं। अब इस मान को हम p इक्वल टू एक्स वाई में रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा p इक्वल टू x इंटू 10 माइनस x, या फिर 10x माइनस x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो मिल जाएगा dp बाई dx इक्वल टू 10 माइनस 2x, और यदि इसका एक बार और अवकलन करें तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा माइनस 2। तो महत्तम या न्यूनतम मानों के लिए प्रथम अवकलज का मान हम शून्य रख करके सरल करते हैं। तो यहां से आपको dy by dp by dx, dp by dx this is 10 minus 2x, तो 10 minus 2x equal to 0, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2x equal to 10, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा x equal to 5। तो x equal to 5 यह मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब यह ज्ञात करेंगे इस मान को d2p by dx square में रख करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि d2p by dx square ये जो है यह x या चर राशि से मुक्त पद है या स्वतंत्र पद है। तो x equal to 5 वैल्यू पुट करें या कोई भी दूसरी वैल्यू पुट करें, हमें जो मान प्राप्त होना है वो माइनस 2 ही प्राप्त होना है, जो कि ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे कि अब x equal to 5 पर d2p by dx square का मान माइनस 2 ऋणात्मक है, अतः x इक्वल टू 5 पर p का मान महत्तम है। अब महत्तम मान क्या है वह मान हम ज्ञात करते हैं। तो जब x इक्वल टू 5 है तो x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो अगेन y इक्वल टू 10 माइनस x, दैट इज 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। x और y का मान हमें x इक्वल टू 5 है और अगेन y इक्वल टू 5, दोनों का मान 5 5 हमें मिल रहा है। अतः p का महत्तम मान दोनों का गुणनफल बराबर xy एट 5 5, अर्थात x के जगह में भी 5 रखेंगे और y के जगह में भी हम 5 रख करके सरल करेंगे, तो ये 5 गुणा 5 बराबर 25। तो ये दिए गए फलन का महत्तम मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि संख्या 4 को दो धनात्मक संख्याओं में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग तथा दूसरी संख्या के घन का योग निम्निष्ट हो। तो पहले हम यह मान करके चलेंगे कि पहली संख्या x है, इसका जो दूसरा भाग है ये 4 माइनस x होगा।
माना दी गई संख्या का पहला भाग x है, तो इसका जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा भाग है ये 4 माइनस एक्स होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग, तो पहला संख्या क्या है x, इसका वर्ग और दूसरी के घन का योग, दूसरा अर्थात ये 4 माइनस एक्स इसका घन का योग निम्निष्ट हो, तो मान करके चलते हैं कि ये फलन y के बराबर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स क्यूब। अब इसे सरल करते हैं, dy बाई dx यहां से याद कर सकते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अगेन यहां से 4 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो 4 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बाई dx इक्वल टू 0 रख करके हम सरल करते हैं, तो लिखेंगे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy by dx equal to 0, that implies this 2x minus 3 into 4 minus x whole square equal to 0। अब इसे पहले सरल करेंगे और फिर गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करेंगे, तो यह 2x फिर माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2x माइनस 48 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर सबसे उच्चतम घात पद है, तो माइनस से इस पूरे पद को हम गुणा कर देते हैं। पहले काम करते हैं कि इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये 24 और 2 26x फिर माइनस 48 और फिर ये 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसे गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम सरल कर सकते हैं या फिर सूत्र विधि के द्वारा भी सरल कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि के द्वारा इसे यदि सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सरल करने पर या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तो पहले के लिए सरल करेंगे तो x इक्वल टू 8 बाई 3 मिल जाएगा और दूसरे के लिए सरल करेंगे तो x इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो एक मान ये हमें प्राप्त हुआ है, दूसरा मान x इक्वल टू 6 प्राप्त हुआ है। इन दोनों मानों में ध्यान देने वाली बात यह है कि x का मान 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, तो यह मान को तो हम लेकर के नहीं चल सकते क्योंकि x का मान ही 6 है। देखिए यहां पर दिया गया है कि x यहां पर दिया गया है कि संख्या है 4, इसको दो भागों में बांटना है जिसका कि योग 4 हो, तो 6 तो हो नहीं सकता, इस वजह से इस मान को हम लेकर के नहीं चलेंगे। x इक्वल टू 8 बाई 3 के लिए हम आगे सॉल्व करेंगे। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं, अर्थात ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है फलन का, या ये फलन हमें प्राप्त हुआ है इसका फिर से अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस एक्स, और एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 1, तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2 और माइनस 1 इंटू माइनस 6 तो प्लस 6 इंटू 4 माइनस एक्स, तो ये 2 प्लस 24 माइनस 6x या फिर 26 माइनस 6x। अब ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान याद करने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहां पर हम मान रख देते हैं x इक्वल टू 8 बाई 3, ये वाला मान इसमें, तो ये जाएगा 26 माइनस 6 इंटू 8 बाई 3, तो
तो ये मिल जाएगा 26 माइनस 3 दूनी 6, तो 2 गुना 8 16, तो 26 ऋण 16 बराबर 10, जो कि धनात्मक मान है। तो अतः x इक्वल टू 8 बाई 3 पर जो y है यह निम्निष्ट होगा, तो पहली संख्या एट बाई थ्री, तो दूसरी संख्या फोर माइनस एट बाई थ्री, इसका लगता हूं समापवर्त निकालेंगे, मिल जाएगा तीन, चार तिया बारह, बारह ऋण आठ चार, और ये चार बटे तीन। तो अभीष्ट संख्या जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था आठ बटे तीन व चार बटे तीन। प्रश्न दिया गया है कि एक शत्रु का जहाज वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के अनुदिश गति कर रहा है, एक सिपाही बिंदु 3-2 पर है, सिपाही व जहाज के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये एक वक्र है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक बिंदु है 3-2 जहां पर, जिसे हमने a का नाम दिया है, यहां पर सिपाही खड़ा हुआ है। अब यहां से हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात एक लंब खींचना है 3-2 से उस वक्र के किसी बिंदु पर। तो मान करके चलते हैं कि वक्र पर कोई जो बिंदु है वह P है और उसका निर्देशांक XY है। अब इसे हम आगे सरल करते हैं, दिया है शत्रु के जहाज का वक्र समीकरण, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मान लेते हैं कि समीकरण एक है। अब वक्र पर कोई बिंदु P XY है और एक सिपाही जो है A 3-2 पर है, दूसरा बिंदु A 3-2 है, इस पर है। तो यहां से हम P और A के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, पी ए इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ये मिल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें फिर स्क्वायर रूट। अब यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो मिल जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए समीकरण एक में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, यहां पर हम उसका मान रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 देन होल पावर 2। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू, एक्स का पावर 2 और उसका पावर 2, तो मिल जाएगा एक्स का पावर 4। तो ये हमें जो मिल रहा है ये पी ए स्क्वायर है, ये मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब माना कि ये जेड इक्वल टू है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4, ये समीकरण 3। समीकरण 3 जेड इक्वल टू हमने माना है, तो यहां पर देखिए ये एक्स से मिलकर बना हुआ फलन है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, अर्थात समीकरण 3 का दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो आपको मिल जाएगा dz by dx equal to, मिल जाएगा 2 into x minus 3, और फिर x minus 3 का अवकलन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और minus 3 का 0, तो ये 2 into x minus 3 और फिर 1 minus 0, फिर x का पावर 4 का करेंगे तो मिल जाएगा 4x क्यूब। सॉल्व करने पर मिलेगा 2 into x minus 3 प्लस 4x क्यूब। अब इसे सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। इसे हम समीकरण 4 का नाम देते हैं, dz by dx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, समीकरण 4। अब प्रश्न में दिया गया है कि सिपाही व जहाज के बीच न्यूनतम दूरी को
ज्ञात कीजिए। तो यहां पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट वाला केस आएगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dz by dx equal to 0, that implies 4x cube plus 2x minus 6 equal to 0। देखिए समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम दो उभयनिष्ठ निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं, तो मिल जाएगा 2x cube plus x minus 6 equal to 0। अब ये एक घन समीकरण है, इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, x का मान रख करके देखें, जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो इसका एक हल होगा। तो हम x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 1 इसमें तो मिल जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 6 मिल जाएगा 2 प्लस 1, तो इसको 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण है 2x cube plus x minus 3 equal to 0, ये घन समीकरण है, और x का अलग अलग मान रख करके देख सकते हैं, जो मान इसको सेटिस्फाई करेगा या इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा वो इसका एक हल होगा। तो इसके लिए हम x equal to 1 अप्लाई करके देखते हैं, तो x equal to 1 पर तो 2 into 1 का पावर 3 plus 1 minus 3, तो ये मिल जाएगा 2, 2 plus 1, 3, 3 minus 3 equal to 0, अर्थात x इक्वल टू 1 जो है इस दिए गए समीकरण का हल है। तो ये जो घन समीकरण है इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं x माइनस 1 के फॉर्म पे। तो x माइनस, देखिए x इक्वल टू 1 मिला है, इसका मतलब ये कि x माइनस 1 जो है ये 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 का गुणन खंड है। तो यहां से हम 2x स्क्वायर यदि कॉमन लें तो और x माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2x x माइनस 1 और फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया x माइनस 1 के टर्म्स में। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस पूरे पद में x माइनस 1 जो है ये कॉमन है, यहां से 2x स्क्वायर, यहां से ये 2x और यहां से ये 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हमें दो मान मिलेंगे, यहां से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा और ये एक वर्ग समीकरण है, इसके लिए विभित्कर या डिस्क्रिमिनेंट का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले 4ac से हम पहले यह जांच कर लेते हैं कि इसके मूल धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे या फिर वास्तविक या काल्पनिक होंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b का मान है 2, 2 का वर्ग 4, ऋण 4ac, 2 गुणा 3 6 और 4 24। तो यहां से देखिए कि इसका मान जो है यह ऋणात्मक संख्या मिल रही है, और जब किसी वर्ग समीकरण के विभित्कर का मान ऋणात्मक संख्या होती है तो हम यह कहते हैं कि इस वर्ग समीकरण का मूल काल्पनिक मूल है या इसके मूल काल्पनिक है और उसे हम ज्ञात नहीं करते। तो इसी कारण हम यहां पर इस फैक्टर को छोड़ रहे हैं और x इक्वल टू 1 जो है यह संभव मान है यह लेकर के हम आगे चल रहे हैं। x इक्वल टू 1 इसका संभव मान है। अब समीकरण 2 से लेकर के हम आगे सरल करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से पी ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4, ये हमें मिला था। अब x इक्वल टू 1 रखने पर पी ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 मिल जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहां से हम पी ए का मान निकाल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट 5। अब समीकरण 4 का उपयोग करते हैं, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। इसका यदि अवकलन करेंगे डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर तो यहां से आपको मिल जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2, और डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर
इसका मान x इक्वल टू एक पर हम ज्ञात करते हैं। तो 12 इंटू एक्स के स्थान पर आप एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 12, 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो देखिए कि यहां पर जो मान है ये धनात्मक मान मिल रहा है, अर्थात वहां पर फलन जो है वो निम्निष्ठ है, और निम्निष्ठ की वजह से हम यह लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू 1 पर जो पी ए है इसकी न्यूनतम दूरी वर्गमूल 5 है, और यही हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। यदि लाभ फलन पी ऑफ x इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो लाभ फलन दिया गया है, दिया गया लाभ फलन है क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि समीकरण एक है, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो d by dx of p of x equal to minus 72 minus 36 x, तो इसे हम p dash x लिख सकते हैं, p dash x equal to minus 72 minus 36। मान लेते हैं कि समीकरण दो है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए p dash x को जीरो लेकर के हम सरल करेंगे, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए p dash x equal to 0 that implies this minus 72 minus 36 x equal to 0, सरल करने पर x equal to minus 2 आपको प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है, अब जो p dash x है यहां से समीकरण दो का पुनः दोनों पक्षों का समाकलन, समीकरण दो के दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, अर्थात d2p of x by dx square या फिर d by dx of p dash x, इसको अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 36। अब चूंकि यह ऋणात्मक मान है अतः और यह x से स्वतंत्र पद है तो इसमें वैल्यू पुट करें या ना करें अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो हमें निगेटिव ही प्राप्त होगी, फिर भी हम इसको लिखते हैं। स्पष्ट है कि d by dx of dp of x by dx at the point x equal to minus 2, ये मान हम यहां पर रख देते हैं तो अगेन आपको मिल रहा है minus 36 जो कि ऋणात्मक है। अब यह मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब यह कि इस बिंदु पर फलन जो है यह उच्चिष्ठ है, उच्चिष्ठ की स्थिति में ही हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा, वह अधिकतम लाभ क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे लाभ फलन पर, तो इसे लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू माइनस टू पर लाभ का मान या लाभ फलन का मान लिखते हैं इसे, लाभ फलन का मान अधिकतम होगा अब कितना अधिकतम होगा कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम लाभ बराबर लाभ x इक्वल टू माइनस टू पर प्राप्त होगा। तो p ऑफ माइनस टू इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू माइनस टू माइनस 18 इंटू माइनस टू का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 41 और माइनस प्लस 144 और फिर 18 और 4 गुणा 72। इस तरीके से
सरल करने पर 113 यह मान प्राप्त होगा जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न दिया गया है, एक आयत की लंबाइयां x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तब आयत के, पहला प्रश्न परिमाप और दूसरा प्रश्न क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम यह मान करके चलेंगे कि लंबाई या आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। माना किसी समय आयत की लंबाई x और चौड़ाई y और दिया गया है आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम हो रही है। लंबाई को हमने x माना है, dx by dt समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, कितना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट और ऋणात्मक मान हमने ऋण चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर कमी हो रही है। मान लेते हैं कि समीकरण एक है और दूसरा कि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह कि dy by dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मान लेते हैं कि समीकरण दो है और धनात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि इसमें वृद्धि हो रही है। अब पहला प्रश्न यह दिया गया है कि परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। जबकि x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप अब जानते हैं दो गुना लंबाई धन चौड़ाई। मान लेते हैं कि यह समीकरण तीन है। अब आयत में, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर अर्थात इसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp by dt इक्वल टू d by dt ऑफ 2 into x plus y। अब चूंकि दो जो है ये अचर राशि है बाहर आ जाएगा d by dt ऑफ x plus y तो इसे लिखेंगे 2 into dx by dt plus dy by dt, dx by dt minus 5 और dy by dt plus 4 तो आपको मिल जाएगा dp by dt equal to 2 into minus 5 plus 4 तो ये मिल जाएगा minus 1 तो 2 into minus 1 that is minus 2। इसका मतलब ये कि dp by dt equal to minus 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन यह बता रहा है कि परिमाप जो है यह घट रहा है। तो पहला प्रश्न का उत्तर ये कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से आयत का जो परिमाप है वो घट रहा है। दूसरा हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल -
मान लेते हैं कि ये a है, लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात x इंटू वाई, मान लेते हैं कि समीकरण चार है। समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है अर्थात t के सापेक्ष दोनों तरफ का हम अवकलन करेंगे, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी। अब यह मान कब ज्ञात करना है, जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो मान हम यहां पर रख देते हैं। और दूसरी बात, डी एक्स बाई डी टी का मान माइनस फाइव है, तो ये माइनस फाइव और y का मान है 6 प्लस x का मान है 8 और डी वाई बाई डी टी का मान है 4, तो मिल जाएगा ऋण 30 धन 8 चौक 32 बराबर 2। अब ये 2 क्या है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यहां पर ये धनात्मक चिन्ह है अर्थात आयत का जो क्षेत्रफल है यह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो यही 2 मान हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है कि अंतराल या बंद अंतराल है 1-3 में 2x का घात 3 ऋण 24x धन 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, पहला भाग ये। दूसरा भाग ये कि इसी फलन का अंतराल, यह भी बंद अंतराल है, ऋण 3 ऋण 1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया गया फलन दिया है फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, मान लेते हैं कि समीकरण एक है। यहां पर हमें अंतराल, दो अंतराल दिया गया जिसमें हमें महत्तम मान ज्ञात करना है, तो उसकी दिशा में हम पहले x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो इसे f डैश x लिखेंगे, ये मिल जाएगा 6x का घात 2, यह मिल जाएगा 6x का घात 2 ऋण 24। अब इसमें से यदि आप 6 को उभयनिष्ठ लेना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फलन के उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर लेकर के हम सरल करते हैं, तो यहां से मिल जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको दो मूल प्राप्त होंगे कि वर्ग समीकरण है और ये तो 6 एक अचर राशि है, तो सॉल्व करने पर एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है, लेकिन यहां पर हमें जो मान प्राप्त हुआ है इसमें से केवल एक मान, 2 जो है यह बंद अंतराल 1 और 3 के बीच में शामिल है, यह प्रश्न में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है यह अंत बिंदु भी इसमें शामिल होगा, तो 1, 2 और 3, इन तीनों अलग अलग बिंदुओं पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर समीकरण 1 का मान, अर्थात ये समीकरण 1 का मान, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, और सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 85, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 85, मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 4 है। अब x इक्वल टू 1 पर हमने मान प्राप्त कर लिया, अब x इक्वल टू 2 पर समीकरण 1 का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात f ऑफ 2, यहां पर हम 2 रखेंगे, तो मिल जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, 2 का घात 3 8 और 8 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 16, और 24 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 48, और ये है 107। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा
75, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 75 मान करके चलते हैं कि समीकरण 5 है। अब अंत में x इक्वल टू 3 पर हम समीकरण 1 का मान ज्ञात करते हैं, तो f ऑफ 3 तो 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 3 का घात 3 27 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 54 ऋण 24 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 72 और फिर ये 107, इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा 89। तो मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 6 है। 4, 5 और 6 का मान देखिए, हमें यह कहा गया था कि महत्तम मान ज्ञात कीजिए, और महत्तम मान ये है 89। तो यह किस बिंदु पर प्राप्त हुआ है? x इक्वल टू 3 पर। तो इसे लिखेंगे कि अतः बिंदु x इक्वल टू 3 पर निरपेक्ष मान जो प्राप्त हुआ यह 89 है, और ये पहले पार्ट का उत्तर है जहां पर हमें बंद अंतराल 1 और 3 के मध्य में महत्तम मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब इसमें दूसरा अंतराल दिया गया है ऋण 3 से ऋण 1 के बीच में, बंद अंतराल है उस पर इसे लेकर के हमें सरल करना है। अब x इक्वल टू माइनस 2 जो है यह बंद अंतराल ऋण 3 ऋण 1 में शामिल है। अब इसके लिए जो मान x का मान है -2, -3 और -1, इन तीनों बिंदुओं पर अलग अलग इस फलन f ऑफ x का मान ज्ञात करेंगे और उसमें से जो महत्तम मान होगा वही इसके लिए अधिकतम मान हमें मिल जाएगा उस बिंदु पर। तो x इक्वल टू माइनस 2 पर f ऑफ x का मान अर्थात f ऑफ -2, तो 2 इंटू -2 का पावर 3 -24 इंटू -2 प्लस 107, तो 2 का घात 3 करेंगे तो मिल जाएगा 8, लेकिन ऋण में रहेगा, और ऋण 8 गुणा 2 करेंगे तो ऋण 16, 24 और 2 का गुणा करेंगे तो 48, और ऋण का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा धन 48। तो इस तरीके से ऋण 16 धन 48 और 107 सरल करने पर f ऑफ -2 का मान आपको मिल जाएगा 139। मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 7 है। अब x इक्वल टू -3 पर f ऑफ x का मान अर्थात f ऑफ -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 का क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107, 3 3 9 होती है 27 दुनी 54, तो ये ऋण 54 धन 24 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 72 और ये 107, 72 107 और फिर ऋण 54 सरल करने पर आपको मिल जाएगा 125। तो f ऑफ -3 इक्वल टू 125 मान करके चलते हैं कि समीकरण 8 है। अब अंत में x इक्वल टू -1 पर हम f ऑफ x का मान ज्ञात करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू ये 2 इंटू -1 का पावर 3 -24 इंटू -1 प्लस 107, तो ये मिल जाएगा -2 प्लस 24 प्लस 107, तो ये आपको मिल जाएगा 129। तो f ऑफ -1 इक्वल टू 129। तो समीकरण 7, 8 और 9 को ध्यान दीजिए, सबसे अधिकतम मान जो हमें प्राप्त हुआ है ये 139 है, तो इस वजह से हम यह लिखेंगे कि x इक्वल टू -2 पर अधिकतम मान 139 है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।